एसकेएम का जो संगठन है, जो भारतीय किसान यूनियन का संगठन है, जो दिल्ली में आंदोलन वो करते थे, 550 किसान संगठन थे, उन्होंने कहा कि हम आपकी कमेटी में नहीं रहेंगे, हम आपको पीछे से सपोर्ट करेंगे। और सपोर्ट उनका क्या जबरदस्त था जाने का, ये पीछे खड़े रहे, वो सामान लेके, दूध लस्सी लेके, लंगर लेके, लाठी लेके, यही हाल उत्तर प्रदेश में था। और इस भारतीय किसान यूनियन को जो बनाने वाले संगठन है वो खाप बन जाते हैं। बहुत लोग और सरकारें गलत फहमी में रहती है कि इसको संगठन को कोई हम चला रहे, कोई इसको आदमी चला रहा, कोई इसका अध्यक्ष बना दिया वो चला रहा है, इसके पीछे खाप पंचायतें खड़ी हुई है। जब तक खाप पंचायतें इस संगठन को चलाएंगी ये संगठन चलेगा, जब खाप पंचायतें कहेगी कि इसकी जरूरत नहीं रहेगी ये संगठन नहीं चलेगा। और ये आज की नहीं बात, ये मुगलों के आक्रमण रहे हो या देश की आजादी की लड़ाई रहे हो, ये वही बाबा साहब की धरती है। खाप पंचायत के लोग थे, वे सब गांव के लोग थे जिन्होंने पूरे मोर्चों के साथ में लड़ाइयां लड़ी। उस टाइम तो आमने सामने की लड़ाइयां थी पूरी, आज तो धोखे की है। आज की तो जो सरकार है ये जालसाजी की है। उस टाइम तो आमने सामना था, बिल्कुल ये क्षेत्र तो जब भी नहीं हटा। जब पहली मार्च को जब आंदोलन शुरू हुआ इस भारतीय किसान यूनियन का, तो यही जुगामा क्षेत्र, यही बड़ों से लगा कर, ये पूरा खेकड़े से लगा कर पूरा ये जत्थेबंदी के साथ में लोग वहां पर गए। जब जब भी खाप पंचायतें मजबूत होगी और जब जब भी सपोर्ट करेगी तो सरकारों की कोई ताकत नहीं है कि सरकार इस आंदोलन को दबा दे। आने वाले टाइम पे क्या क्या समस्या आने वाली है, खाप पंचायत के लोग कोई व्यापारी नहीं है, कि दुकानदार है कोई, ये गांव के रहने वाले लोग हैं, ये खेती किसानी करने वाले लोग हैं, ये पंचायत के किसान और मजदूर इसको चलाता है, इसको 36 बिरादरी का नारा इसीलिए दिया गया है कि कोई बिरादरीवाद इसमें नहीं है। जिस तरह के कानून अब भारत सरकार लेकर आ रही, कोई किसान बच जाएगा या उसकी जमीनें बच जाएगी? कौन सा आदमी है कि जो नया ट्रैक्टर खरीदता हो 10 साल में ट्रैक्टर बेच दे, कोई एक आदमी है? ये कानून ये लेकर आ गए, इन्हें कहा कि हम कुछ नहीं कहेंगे, ये तो एनडीटी का कानून है। 10 साल में ट्रैक्टर खराब होता है, इन्हें कहा कि 10 साल में आप अपने ट्रैक्टर को बेचना चाहोगे उसका रजिस्ट्रेशन दूसरे जिले में कहीं नहीं होगा, उसका इंश्योरेंस नहीं होगा, 10 साल के बाद में वो चोरी होगा, उससे कोई एक्सीडेंट हो गया, वो पूर्ण रूप से किसान की जिम्मेदारी है। मतलब किस तरह का कानून है, अगर हमने आवाज उठाई कि ट्रैक्टर को बगल ले लो, दिल्ली में जो ट्रैक्टर गए थे यही तो कहा था कि जो ट्रैक्टर हमारे खेत में चलता है वो दिल्ली की चमचमाती सड़कों के ऊपर भी चलेगा, वो दिखाई दे, 4 लाख ट्रैक्टर वही तो थे, कोई और थे वे ट्रैक्टर? इसे किसान को डराने की धमकाने की कोशिश ना करें, आपको सत्ता चलानी आप चलाओ, लेकिन तलवारों की नोक पर सत्ताएं यहां पे नहीं चलेंगी। हमने मुकाबला किया है उनका, और ये तो षड्यंत्रकारी है, ये षड्यंत्रकारी है। और मैं कहना चाहता हूं कि इलाज हमारा जो भी किया, इलाज हमारा पॉलिटिकल पार्टी ने किया, हमारे ऊपर एलिगेशन लगे कि हमने उनको सपोर्ट किया। अगर हम खुद का किसी को सपोर्ट भी कर देते तो भी हमारे हमको कम से कम ये तो रहता है हमने सपोर्ट किया, अपनी रखवाली में खुद नहीं रख पाए। और एजुकेशन और इलाज किसान का हुआ, हमने कहा था कि धोखा होगा, अपनी गिनती की रखवाली कर लेना, 10,000 आदमी 1,000 ट्रैक्टर चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं थी, मुजफ्फरनगर में कोई दिक्कत नहीं हुई, मुजफ्फरनगर सामने में कोई दिक्कत नहीं हुई।
लेकिन हम तो नॉन पॉलिटिकल लोग तो हम तो बगल है सिस्टम से, हम पॉलिटिकल नहीं है। सरकारें हमको किसी के साथ में जोड़ के ना देखे। अगर राजस्थान में किसान की जमीन नीलाम हुई 7-8 रुपए के कर्जे में 10 एकड़ जमीन उस किसान की नीलाम हुई, उसका घर उसमें बना हुआ था, हमको वहां नहीं जाना चाहिए था, लेकिन हम वहां पर गए, किसान की जमीन वापस हुई, वहां का कानून वापस हुआ। हम गए छत्तीसगढ़ में 27 गांव की जमीन वहां पे अधिग्रहण हो रहा है, नया रायपुर बसा जा रहा है, नई राजधानी। अगर हम किसी एक पार्टी के विरोधी होते तो हम नहीं जाते वहां पे। ये गलत फहमी अपने दिमाग में से निकाल दें। हमें किसी के पक्षधर नहीं है। अगर सरकार गलत फैसला लेकर आएगी तो हम उसका विरोध करेंगे, पूर्ण रूप से अंतिम सांस तक विरोध करेंगे। बिजली की बहुत बात हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार अपना घोषणा पत्र देख लें, या तो घोषणा पत्र के आधार पर बात कर लें, या उन्हीं की सरकार उत्तराखंड में है उसका बिजली कानून उठा दे उसके आधार पर बात कर लें। हरियाणा में भी उन्हीं की सरकार है, 15 रुपए हाउस पावर बिजली का रेट है उसके आधार पर बात कर ले। ये नहीं चलेगा कि हम मुख्यमंत्री से बात करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार और यहाँ के अधिकारी किसान से बात करना नहीं चाहते। वो बात हमारे पास में भी आती है, ये ध्यान से सुन लेना। योर इंटेलिजेंस के लोग होंगे, हरिद्वार में हमारी मीटिंग, हम फैसला लेंगे या तो उत्तर प्रदेश सरकार बैठ के बातचीत का रास्ता निकाल ले, नहीं तो ये मेटा थानों में जमा होंगे। ये घोषणा होगी, ये ध्यान से सुन लेना, कान खोल के, कोई भी डर नहीं लगेगा। हम निर्णय लेंगे इन पशुओं का क्या हाल होगा। आज देख रहे एक तरफ कह रहे हैं कि गौशाला की हम बात कर रहे हैं, अभी जब हम बागपत में आए वहां पे करीब 400 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक, जब पंजाब और हरियाणा का किसान उत्तर प्रदेश में अपना भूसा बेचने के लिए आ रहा है उसको रोकने का काम करा जा रहा है। कहीं के लिए रोक रहे हो उनको? क्या मुख्यमंत्री जी की संज्ञान में है कि आपका पुलिस प्रशासन उसको वहां पर रोक रहा है? अधिकारियों से आप भूसा दान में मंगवा रहे हो और भूसे को वहां पर रोक के आप अवैध वसूली करना चाहते हो। अगर एक भी ट्रैक्टर ट्रॉली किसी भूसे को रोकने का काम करा, ध्यान से सुन लेना, हमने पहले भी थानों के अंदर भूसा भरवाने का काम करा। जो भी पुलिस प्रशासन के लोग जिस थाने में किसी भी ट्रैक्टर ट्रॉली को भूसे से रोका जाएगा उसी थाने में वो ट्रैक्टर ट्रॉली भूसे की वही करवाई जाएगी। आप उसको चारा वही पशु को खिलाना और आवारा पशु भी आपके थाने में भेजने का काम करें। संघर्ष होगा। 1 मार्च 1987 के बाद में कोई आंदोलन मजबूत आंदोलन नहीं हुआ, कोई अंग्रेज के गोले नहीं चले, कोई गोली आंदोलन पर नहीं चली। ये हमारी समझदारी थी, लेकिन एक आंदोलन की जरूरत फिर है इस उत्तर प्रदेश में है। या तो सरकारें सुधर जाए, नहीं तो 10 साल पुराने ट्रैक्टर का रुख लखनऊ की तरफ होगा और पूरे प्रदेश का ट्रैक्टर लखनऊ जाएगा, उसकी तारीख भी हम लेंगे और आंदोलन भी हमारा होगा। या तो सरकार आज भी हम कह रहे हैं कि बातचीत के लिए तैयार हो, हम बातचीत करने के लिए तैयार है, या तो सरकार बातचीत कर ले, नहीं तो सड़क पर बातचीत होगी। आप गोली चलाओगे, गोली चलाने के लिए हम तैयार है, खाने के लिए। हम इस आंदोलन में शहीद होना चाहते हैं। ये सरकार सुन ले, या तो बातचीत करे, हमारे किसान का काम करे, नहीं तो आंदोलन होगा। ट्रैक्टर हम लेकर चलेंगे, हम गोली खाने को तैयार है, हमें मौत से डर नहीं लगता। आपकी साजिश क्या है उसको तोड़ने का काम करेंगे। जो गाजीपुर बॉर्डर पे हुआ था हमको पता है, गाजीपुर बॉर्डर पे बहुत लोगों की साजिश थी कि गिरफ्तार करो आ जाए। आज उन साजिशों का पर्दाफाश होता है। अधिकारी पैसे लेके आंदोलन को खड़ा करते हैं दुगना। आंदोलन विचारधारा से खड़ा होता है, आंदोलन 2100 रुपए की रसीद काट कर नया संगठन बनाने से आंदोलन नहीं चलता।
तीसरा होगा, उसके बाद में चौथा होगा और ये पूरा देश टिकट है। ये सरकार में राज्य के लोग होंगे, बता दो कि हम सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। हमने तीन तीन मुख्यमंत्रियों से चंडीगढ़ में बातचीत करी, जो 750 किसान हमारे शहीद हुए उनको 3-3 लाख रुपए दिया, पंजाब के सरकार ने 55 लाख रुपए दिया, हरियाणा सरकार इन्हीं की सरकार है 55 लाख रुपए दिया। क्या उत्तर प्रदेश इतनी कमजोर है कि जो किसान शहीद हुए उनको पैसे नहीं दे सकती? उत्तर प्रदेश की जमीन पे हम तेलंगाना के मुख्यमंत्री से पैसे दिलवाएंगे, जब आपकी बेइज्जती होगी। हमारे 21-22 लोग यहाँ के हैं, सरकार उनको पैसा दे। जो दिल्ली का जो फॉर्मूला है, आप डराने का काम ना करो के मुकदमे करेंगे, पर्चे दर्ज करेंगे, डराने का काम कर रहे हो। किसने वोट नहीं तो उसके घर न पा रहे हो, ये नहीं चलेगा। और अमर होने के लिए कोई नहीं यहां पर आया। आपके बुजुर्गों ने लड़ाइयां लड़ी, ये आंदोलन आपके बुजुर्गों ने चलाया, ये संगठन आपके बुजुर्गों ने चलाया। कुछ जज मिले, उन्हें कहा जी आप तो अपनी आवाज उठा लेते हो, हमारी आवाज कौन उठाएगा? उनकी गाड़ी 10 साल पुरानी गाड़ी चल, जज एक दिन चलता है हफ्ते में, वो 10 साल में उसकी 50,000 किलोमीटर गाड़ी नहीं चलती, वो भी उसी कानून में है। डॉक्टर की गाड़ी जो 1 लाख किलोमीटर नहीं चलती, क्या किसी को बोलने की आजादी देश में है? उसकी गाड़ी भी आप क्रैश करोगे? किसान का ट्रैक्टर, जज की गाड़ी और डॉक्टर की गाड़ी, आप रोडवेज की गाड़ी से कंपेरिजन करोगे? ये गंभीर सवाल हमारे हैं। बिजली अमेंडमेंट बिल ये लेकर आना चाहती है भारत सरकार। दो पशु अगर किसी के पास में होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन होगा। ये बेवकूफ लोग हैं क्या जो इनको बात बताते हैं? दो पशु अगर भैंस हैं वो भी हाईवी को, दो पशु हो गए तो कॉमर्शियल कनेक्शन होगा? या तो भैंस जाएगी या कटड़ू मरेगा।